ओके गाइस, एक्सरसाइज नंबर 4.4 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ सम इज इक्वल टू 65। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है क्वांटिटी बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स की, कि आपका जो सम है वो 65 के बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। डेटा हमारे पास क्या होगा, डेटा हमारे पास हो जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास -7 है, A1 की वैल्यू, और A2 की वैल्यू हमारे पास -5 है, और D जो है वो हमारे पास A2 - A1 है। ये -5 - -7, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। SN हमारे पास है 65। तो बच्चों, SN हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है कि ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिनको हम अगर सम करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 65 के बराबर आ जाए। तो SN का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है n/2 2a + n-1 d। यहाँ पे 65 आ गया, यहाँ पे n/2 आ गया, a की जगह पे -7 आ गया, और d की जगह पे आपके पास आ गया 2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -7 + n-1। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये n-8 हो जाएगा, क्योंकि -7 और -1 एडिशन के बाद 8 बनेगा। देन n² - 8n = 65। तो n² - 8n - 65 = 0। तो बच्चों, 8 को आप ब्रेक करेंगे फैक्टर में तो -13n + 5n - 65 = 0। n हमारे पास कॉमन तो n-13, 5 हमारे पास कॉमन तो n-13। तो बच्चों, हमारे पास जो फाइनल जवाब इसका बनेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n-13 = 0, n की वैल्यू 13 आ गई, n+5 = 0, तो n की वैल्यू -5। देखो बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद निकाल रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद का मतलब होता है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, तो मतलब अगर आप 13 टर्म्स को जमा करेंगे तो आपका जो सम है वो 65 को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो n = 13 हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4.4 में, सम द सीरीज 3+5 - 7, 9+11 - 13, और 15+17 - 19 अप टू 3n टर्म्स। अब देखिए, यहाँ पे 3n टर्म्स का जो हमारे पास जो मतलब होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है कि आपने 3n टर्म्स तक सम निकालना है, लेकिन जो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है वो SN पे होता है। तो अब इसका क्या चक्कर है, देखें फिलहाल तो ये जो सीक्वेंस है या जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, ये 3n का मतलब ये होता है कि अगर मैं n की जगह पे मिसाल के तौर पर 1 रखता हूँ तो ये 3 टर्म्स की बात कर रहा है मुझसे, मतलब ये इसके लिए ये जो सीक्वेंस है ये 3 टर्म्स पे डील करेगी। मतलब ये एक टर्म इसके लिए होगी, दूसरी ये होगी, और फिर तीसरी ये होगी। मतलब ये 3 टर्म्स हमारे लिए एक टर्म्स के तौर पर काम करेंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हम इन बॉक्सेस को सॉल्व करके लिखेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 7, लास्ट वाला हमारे पास हो जाएगा 13, और ये जाएगा अप टू n टर्म्स। n टर्म्स क्यों हो गया, क्योंकि हमने 3 डब्बों को एक टर्म बना दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसके मुताबिक डेटा लिखेंगे, a की वैल्यू 1 हो गई, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 7 हो गई, तो d की वैल्यू हो जाएगी a2 - a1 7-1 = 6। और हम यहाँ पे लगाएंगे SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 d। यहाँ पे n/2 हो गया, यहाँ पे a1 की जगह 1 हो गया, और d की जगह हमारे पास 6 हो गया। n/2 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो 1+n-1 * 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1+3n - 3, जो सम हमारे पास आएगा वो हो जाएगा n और 3n - 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ आपको दोबारा देखनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, SN = n (2n-1), फाइंड द सीरीज। अब बच्चों, सीरीज़ का मतलब क्या होता है, 3 टर्म्स आपने कम से कम निकालनी है और उसको सीरीज़ की फॉर्म में लिख देना है। तो देखें, सबसे पहले तो जो है ना, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई भी सीरीज़ मेरे पास है तो उसका सम और टर्म्स का क्या रिलेशन होता है। देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास,
इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये ए वन है जो कि एस वन के बराबर है। एस वन मतलब एक टर्म का सम जो कि ए वन होगा, लेकिन जो ये दोनों टर्म्स हैं ये हमारे पास है ए वन प्लस ए टू, तो ये एस टू के बराबर होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ए वन इज इक्वल टू एस वन है, तो यहाँ पे हम एस वन को पुट करा देंगे। तो ए टू का फॉर्मूला बच्चों क्या निकल गया, एस टू माइनस एस वन। इसी तरीके से ए थ्री का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा एस थ्री माइनस एस टू। तो इट मीन्स कि अगर मुझे ए फोर निकालना है तो ए फोर का फॉर्मूला मेरे लिए होगा एस फोर माइनस एस थ्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम एन की जगह पे वन रखेंगे। तो वन जब हम रखेंगे तो जितनी जगह हैं सब जगह पे वन आ जाएगा, एस वन हमारा आ गया वन के बराबर। एस वन का मतलब ए वन हो गया। एन की जगह पे टू रखेंगे और टू रखने पे ये हो जाएगा एस टू, और टू और टू टू ज़ा फोर माइनस वन, एस टू की वैल्यू आ गई सिक्स। तो ए टू जो होगा वो हमारा हो जाएगा एस टू माइनस एस वन, यानी कि सिक्स माइनस वन इक्वल्स टू फाइव। फिर हम यहाँ पे एन की जगह पे थ्री रखेंगे, एस थ्री थ्री टू मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस वन, फिफ्टीन आ गया, और ए थ्री की वैल्यू आ गई एस थ्री माइनस एस टू, ठीक है हमारे पास आ गया नाइन। हम आगे बताएंगे उसको। नाउ द सीरीज इज, सीरीज क्या होगी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो। तो यहाँ पे आ जाएगा वन, फिर आ जाएगा फाइव, फिर आ जाएगा नाइन। ये हमारे पास इस सवाल का। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो, जल्दी करो और छा जाओ।